हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार। तो मैं हाजिर हो चुका हूँ एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको दिलाऊंगा यार वेपन मास्टर का टाइटल। मेरे को ये टाइटल बहुत पहले मिल गया था, मेरे को आज लग रहा है मेरे को 6 महीने पहले मिल गया था। तो मैंने उस टाइम वो ये वीडियो नहीं बनाई थी, बट आज मैं सोचा कि वेपन मास्टर पे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत लोग कमेंट भी कर रहे थे कि भाई वेपन मास्टर पे वीडियो बनाओ। तो ये आ गई भाई वेपन मास्टर की वीडियो, और ये मैं खेल रहा हूँ सोलो में। आप चाहो तो सोलो, डुओ, स्क्वाड, जिसमें भी चाहो तो खेल सकते हो, बट मैं खेल रहा हूँ सोलो में। और यहाँ पे आपको वेपन मास्टर कैसे मिलेगा तो यही मैं बताऊँगा। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी यार तो यार लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपको लगता है कि वीडियो देखने के बाद मैं वेपन मास्टर का टाइटल ले सकता हूँ तो यार लाइक ज़रूर करना, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, तो चलो मैं इस टाइटल को पाने के लिए कुछ आपको कुछ एलिजिबिलिटीज बता देता हूँ। तो आपको इस टाइटल को पाने के लिए आपको होना चाहिए कम से कम प्लैटिनम में, यानी कि प्लैटिनम 5 4 किसी में भी आप रहोगे तो आप इस टाइटल के लिए एलिजिबल हो। और आप इस टाइटल को पाने के लिए आप सोलो, डुओ, स्क्वाड किसी में भी खेल सकते हो। बस आप जिसमें अगर आप सोलो खेल रहे हो तो आपका टियर कम से कम प्लैटिनम होना चाहिए, डुओ खेल रहे हो तो उसमें भी प्लैटिनम, स्क्वाड खेल रहे हो तो उसमें भी प्लैटिनम होना चाहिए। ओके, तो चलो ये क्लियर हो गया। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वेपन मास्टर टाइटल पाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो आपको कुल 6 किल्स करने होंगे। आपको एक किल करना है एआर से, यानी कि असल राइफल से, एक किल करना है आपको एसएमजी से, सबमशीन गन से, एक किल करना है आपको स्नाइपर राइफल से, एक किल करना है आपको शॉटगन से, एक किल करना है आपको ग्रेनेड से, 6 हो गए ना, हाँ, और एक किल करना है आपको शॉटगन से। शॉटगन में आप S12 के मत यूज़ करना, क्योंकि वो एक असल्ट राइफल कैटेगरी में आती है, तो उसे एक शॉटगन समझ के मत किल कर देना, इससे आपको वेपन मास्टर का टाइटल नहीं मिलेगा। और जितने भी DMR गन आते हैं, जैसे कि Mini-14 हो गया, SKS हो गया, SLR हो गया, ये सब स्नाइपर राइफल की कैटेगरी में आते हैं, तो आप इससे स्नाइपर वाला किल कर सकते हो। ओके, तो चलो ये भी क्लियर हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टाइटल पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या इजी तरीका है। तो आपको क्या करना है यार, आपको सबसे लास्ट में उतरना है, जब प्लेन अपने आप ही उतारती है तो आपको वहाँ पे उतरना है। तो हो सकता है आप जब उतरे तो आपके साथ कुछ AFK प्लेयर भी उतर जाए। तो AFK प्लेयर होते वो ये होते हैं कि आप जो प्लेयर ऑफलाइन हो जाते हैं तो प्लेन उनको अपने आप ही उतारती है, तो वो एक AFK प्लेयर माने जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक बॉट आ गया था जो कि सामने एक AFK प्लेयर है तो उसको मार रहा था, तो यहाँ पे मैंने बॉट को मार दिया क्योंकि वो मार देता, तो इसलिए पहले मैंने उसको मार दिया। और यहाँ पे मेरा एक SMG किल भी कंप्लीट हो गया। तो जब आपके सामने AFK प्लेयर उतर जाए तो हो सकता है 3 4 उतरे, मेरे सामने तो एक ही उतरा था, तो हो सकता है आपके पास 3 4 उतरे। तो आपको क्या करना है यार, आपको ग्रेनेड और व्हीकल वाला किल कर लेना है, और अगर आपको स्नाइपर मिल जाए तो वो भी आप किल कर लेना। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने AFK प्लेयर हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक रियल प्लेयर से पाला पड़ जाता है। हो सकता है वो डेडाई का टाइटल लेने आया हो, या फिर पूरा फुल कैंपिंग के मूड में हो, जीतने के केवल उसको जीतने से मतलब है। तो इसको भी खत्म कर देते हैं यार। और यहाँ पे दो मेरे मेरे 2 SMG किल हो जाते हैं, बट आपका माना एक ही जाएगा क्योंकि आपको एक ही किल करना है। तो यहाँ पे मेरे को शॉटगन की प्राप्ति हो जाती है, इनसे हमें शॉटगन की प्राप्ति होती है। तो उसके बाद हम निकल लेते हैं यार, और जो AFK प्लेयर था उसको मैं बाइक से कुचल देता हूँ, तो मेरा जो व्हीकल वाला किल है वो भी कंप्लीट हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे मेरे व्हीकल वाला किल कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही मैं बाइक उड़ाता हूँ मेरे को एक बॉट भी मिल जाता है, तो उसको मैं शॉटगन से कंप्लीट कर देता हूँ, शॉटगन से मार देता हूँ, तो मेरा शॉटगन वाला भी किल जो है कंप्लीट हो जाता है। तो इसको भी मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मेरा शॉटगन वाला जो किल था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप चाहो तो स्क्वाड में भी कंप्लीट कर सकते हो, डुओ में भी कंप्लीट कर सकते हो, बट डुओ में थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि आपका आपके पास वहाँ पे सिर्फ एक ही टीममेट रहेगा आपकी हेल्प करने को, बट स्क्वाड में आपके 3 टीममेट रहेंगे आपकी हेल्प करने को। कोई टीममेट आपके लिए शॉटगन ला के देगा, कोई स्नाइपर राइफल ला के देगा, कोई कुछ ला के देगा, तो इससे में ज़्यादा आपको इजी होगा। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक चीज़ रिमेंबर रखना है कि आप जिस गन से किल कर रहे हो आपको सॉरी आप जिस गन से नॉक कर रहे हो आपको उसी गन से किल भी करना है। जैसे कि आप अगर M416 से नॉक कर रहे हो तो आपको M416 से ही किल करना है, यानी कि AR गन से नॉक करना है, AR गन से किल करना है, SMG से नॉक करना है, SMG से ही किल करना है। ऐसा नहीं कि AR से नॉक कर दिया एंड स्नाइपर वाला किल करने के लिए मैंने स्नाइपर से उसको किल कर दिया, तो ऐसे आपको वेपन मास्टर का टाइटल नहीं मिलेगा। आपको आप जिस गन से नॉक करो आप उसी गन से आप किल भी करो। ओके, तो यहाँ पे मैं मस्त मौला जा रहा था तो मुझे एक बॉट दिख गया, तो
यहाँ पे मैं गाड़ी रोक के इसे तुरंत मैंने एक ग्रेनेड वाला किल अपना कंप्लीट कर दिया। तो आपको क्या करना है यार, आपको भी ऐसे ही करना है यार, बॉट वॉट तो आपको मिल ही जाएंगे, तो आप ग्रेनेड कुक करके फेंकना, क्योंकि अगर आप ऐसे फेंक दे तो हो सकता है वो ग्रेनेड के बाहर, रेंज के बाहर चला जाए। तो आप ग्रेनेड कुक करके फेंकना, एक एकदम 1 सेकेंड वाला ग्रेनेड फेंकना, वो नॉक हो जाएगा, नॉक क्या किल हो जाएगा। अगर आप स्क्वाड में खेलते हो तो आपको 2 ग्रेनेड से उसको मारना है, आप चाहो तो मॉली से भी किल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो जोन है वो बहुत छोटा हो गया था, बट अभी भी मेरे एआर और स्नाइपर वाला किल नहीं कंप्लीट हुआ था। तो यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जिसे कि मैं M249 से किल कर देता हूँ, बट M249 एक एआर गन नहीं है यार। M249 हुआ, DP28 हुआ, ये एक एआर गन नहीं है, असॉल्ट राइफल नहीं, ये एक मशीन गन है। तो इसे आप किल ना करना, आपको एआर से किल करना है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे टाइटल नहीं मिला था, बट मेरे को टाइटल मेरे को बहुत पहले मिल गया था। बट आपको मैं बस समझा देता हूँ कि आपको एआर किल करना है। तो अगर यार मैंने यहाँ पे अगर एआर किल किया होता तो मेरे को ये टाइटल मिल जाता, बट कोई नहीं यार, आप स्मार्ट हो, समझदार हो, आपको पता है क्या करना है। तो यहाँ पे मेरे को मिनी 40 मिल जाती है, जो कि एक स्नाइपर गन है, इससे आप अपना स्नाइपर वाला किल कंप्लीट कर सकते हो। तो सामने एक बंदा था जिसे कि मैंने मिनी 40 से किल कर दिया, और मेरा स्नाइपर वाला भी कंप्लीट हो गया। तो बस यार ऐसे ही आप कंप्लीट कर सकते हो, वेपन मास्टर का टाइटल पा सकते हो, बहुत ही ईजी है यार टाइटल, आप एक बार में ही चाहो तो ले सकते हो। तो भाई बस इस वीडियो में इतना ही यार, और अगर आपको भी मेरे साथ पबजी खेलना है तो आप चाहो तो मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आई हेट सचिन के नाम से, आप देख लेना, मैं नीचे आईडी का अपना आईडी दे दूंगा। तो पर आपको एक काम करना है, आपको रिक्वेस्ट भेज देता हूँ, जो नीचे मैसेज में लिखने को आता है वहाँ पे आपको लिखना है वेम्पायर आर्मी, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ आप मेरे सब्सक्राइबर हो, व्यूवर हो, क्योंकि ग्लोबल से भी मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आते हैं, तो मैं समझ नहीं पाता यार कौन मेरा सब्सक्राइबर है, कौन ग्लोबल से है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, आपको लिखना जरूरी है, तभी मैं आपको समझ पाऊँगा कि आप मेरे व्यूवर हो। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो यार कमेंट में करके ज़रूर पूछना, मैं आपको 100% आपको आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो यार बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक ज़रूर करना, और यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं चलता हूँ यार, जय हिंद।